जनपद में 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चल रहे संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत गोपलापुर वार्ड में नगर निगम के द्वारा एंटी लार्वा का छिड़काव व नालियों का साफ सफाई करवाया गया, जिसके संबंध में सहायक नगर आयुक्त डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने बताया कि जनपद में संचारी रोग नियंत्रण माह चल रहा है। शासन के निर्देश पर सभी जोन के वार्डों में सैनिटाइजेशन, नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव व साफ सफाई करवाया गया है। इस अभियान के तहत नालों में गंदगी, खाली प्लॉटों की गंदगी को सफाई करवाया गया, नालों में मैलाथियन व चूना को मिक्स करके छिड़काव किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पानी एक जगह जमा होने से डेंगू हो जाता है, जिसके जमे पानी को सफाई करवाया जा रहा है। यह अभियान पूरे महीने चलेगा। इस अवसर पर गोपलापुर वार्ड के पार्षद रामलौट निषाद सहित अन्य नगर निगम के कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने कहा, मूर्ति रखा खाली फोटो खिंचा जा रहा बारिश अरे कहाँ के भाई मनर भैया मनर तो गली पर है तो आगे बढ़ो तुम लोग आगे तुम लोग भाई पे हम लोग का छिड़का वाला सर घबरा सर कहा थे ये वाला जनगणना करके आप भेजेंगे तो इन लोगों ने कॉलोनी दे दिया गोपलापुर हो ही गया कहाँ का पानी भटन भटन चाहते हैं भैया आपके घर का डॉक्टर मणिभूषण तिवारी सहायक नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर। हाँ, ये संचारी रोग नियंत्रण अभियान का महा चल रहा है इस समय और शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में नगर निगम की पूरी टीम नगर आयुक्त महोदय के दिए गए निर्देश में हम लोग ने समस्त जोनों में एक बृहद सैनिटाइजेशन एवं छिड़काव और एंटी लार्वा का छिड़काव लगातार हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग मलिन बस्ती गोपलापुर में उपस्थित हैं, माननीय पार्षद हैं, साथ में हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, हमारी डस्टिंग और छिड़काव की समस्त टीम यहाँ उपलब्ध है, सफाई कर्मचारी भी हमारे उपलब्ध हैं। आज इस बृहद अभियान में हम यहाँ जगह जगह पर जो नालों में गंदगी थी, खाली प्लाटों में जो गंदगी पड़ी थी, उसको सफाई कराया। नालों में हम लोग आप देख सकते हैं कि मैलाथियन और चूना का मिक्स करके इसका हम लोग छिड़काव कर रहे हैं। साथ ही साथ एंटी लार्वा के छिड़काव की हमारी टीम उपलब्ध है। समस्त नालों में जहां पानी जमे हुए भी इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है, साथ ही साथ अन्य जल जनित बीमारियां भी चल रही हैं। इसके मद्देनज़र आज एक बृहद अभियान इस गोपलापुर वार्ड में शुरू किया गया है। साथ ही साथ समस्त जोनों में यह अभियान चल रहा है, लगातार यह चलता रहेगा। इस पूरे संचारी रोग नियंत्रण अभियान में नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद होकर अपने कर्मचारियों संग हमारे माननीय पार्षदगण, तमाम हमारे सारे जनप्रतिनिधि, माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है, जिसमें हम शहर को एक स्वस्थ और स्वच्छ शहर के रूप में तब्दील करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस जल जनित बीमारी से संक्रमित ना हो, इसके लिए हम पूरे तरह से तैयार हैं, हमारी पूरी टीम तैयार है और पूरे हम मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। कितने टाइम से चलेगा यह अभियान? पूरे हम लोग 2 महीने, जब तक जल जनित अभी बीमारियां जो, चूँकि अभी बाढ़ का प्रकोप था और ठीक भी हो रहा है, बारिश कम हो गई है, बारिश चल रही थी लगातार, अभी जब तक यह जल जनित बीमारियों का जब तक महा चल रहा है, तब तक इसकी पूरी अभियान हम लोग करेंगे। साथ ही साथ इसको सैनिटाइज भी करेंगे समस्त वार्डों को।